बच्चों आज हम लोग रिकैप करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है और वो रिडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो खुद ब खुद हो या फिर ऑन इट्स ओन या फिर बाय लिटिल इनिशिएशन देन आफ्टर इट स्टार्ट्स गोइंग ऑन इट्स ओन, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है तो डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा एस यूनिवर्स आपका पॉजिटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी तब हो सकता है जब पी और टी कांस्टेंट हो, अदरवाइज डेल्टा जी नेगेटिव कोई गारंटी नहीं है स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये डेल्टा जी सिस्टम है। जहां सिस्टम नहीं लिखना वहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं जैसे डेल्टा एस यूनिवर्स विच इन टर्न इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब इनमें से हो सकता है कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, पर जो भी पॉजिटिव होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डेल्टा एस यूनिवर्स आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ये किसी भी कंडीशन पे स्पॉन्टेनिटी को बताता है, जरूरी नहीं है कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे कोई प्रोसेस हो रही हो नेचर लैब में, किसी भी कंडीशन के ऊपर हो रही हो प्रेशर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियसली हो रही है कोई प्रोसेस तो डेल्टा एस यूनिवर्स। आप लोग जानते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इसी का ही नाम इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सेल वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल पर्टेनिंग टू केमिकल एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज जॉब ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों हुई, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो तब तक होगी जब तक एक्सटर्नल एजेंसी पिक्चर में है। जैसे आपके रूम में एसी लगा हुआ है, जनरल टेंडेंसी क्या है स्पॉन्टेनियसली हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जोन। आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है रूम का टेम्परेचर और बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस है इन द मंथ ऑफ मे जून, तो हीट ऑटोमेटिकली ग्लास के थ्रू या फिर किसी भी मटेरियल के थ्रू, ब्रिक वगैरह थोड़े थिक वॉल होती है तो हीट का ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हीट फ्लो बाहर से अंदर करती है और अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, हम चाहते हैं हमारा रूम का टेम्परेचर अब 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो अपने आप नहीं होगा, एक एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम होता है एसी एयर कंडीशनर। एसी से आप टेम्परेचर हीट एसी हीट रूम की हीट निकाल निकाल के बाहर फेंक देता है। ये मेरे बोलने का तरीका है, ऐसे कोई पकड़ पकड़ के नहीं फेंकता है। क्या करेगा वो कि यहां से हीट निकालकर जब तक एसी काम कर रहा है तब तक बाहर की तरफ ले जाता है। दैट मीन्स टेम्परेचर आपका कम हो रहा है तो रूम में जो हीट एनर्जी है नेट वो कम हो गई क्योंकि हीट फ्लो आउट हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर 25 था बाहर का 45 था, फिर भी हीट यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस आते टाइम हीट यहाँ से बाहर गई लो टू हाई टेम्परेचर। ये स्पॉन्टेनियसली नहीं हुआ, ये तब तक ही होगा जब तक एसी काम करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी तब तक कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करेंगे केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन तब तक होगी जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जब तक बैटरी लगा रखी है डीसी का सोर्स लगा रखा है तब तक ऐसा होता रहेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। ये सुन लूं, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करंट पास करना छोड़ देते हो तो हम लोग बोलते हैं
कि वहीं की वहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एनोड कैथोड पे रिस्पेक्टिवली हो रहा था वो वहीं की वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह की होती है, एक तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद बे खुद नहीं होती, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प से होती है। एक्सटर्नल एजेंट जैसे एसी की बात की मैंने, यहां पर बैटरी की बात की। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट पिक्चर से हटा दे तो फिर क्या होता है, उसमें दो केस होते हैं। एक, प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगे, जैसे एसी आपने बंद कर दिया तो एक्सटर्नल एजेंट इज नॉट इन पिक्चर, तो हम लोग बोलेंगे अपने आप रूम दोबारा गर्म होने लग जाएगा, 20 से 25 डिग्री की सेल्सियस की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा टेम्परेचर, क्योंकि हीट फ्लो हाई टू लो ऑटोमेटिकली, पहले लो टू हाई एसी की हेल्प से कर रहे थे, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, अब हाई टू लो वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप होने लगी। तो रिवर्स प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो अपने आप होने लगेगी गिवन सेट ऑफ कंडीशन। यहाँ पे दूसरी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है कि एक्सटर्नल एजेंट रोक दे तो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सेकेंड काइंड। जैसे ही आप बाहर से डीसी का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस वहीं की वहीं रुक जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ सेकेंड काइंड व्हिच स्टॉप्स व्हेन एक्सटर्नल एजेंट इज रिमूव्ड। ठीक है, ओके। हम लोग इस जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे थ्रू थ्रू डायरेक्ट बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, दो वर्ड यूज किए, एक मैंने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब डायरेक्ट वर्ड का मतलब समझते हैं। डायरेक्ट मतलब जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपका एक ही कंटेनर में एक ही जगह पर हो रहा हो तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, अगर अलग अलग जगह हो रहा हो तो हम लोग बोलेंगे जैसे गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन आप सेल में होता है, रिडक्शन रिडक्शन आप सेल में होता है, तो वहां पर आप बात करते हैं तो वो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में क्या होता है, गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वहां पर भी होती है। केमिकल स्पीसीज की केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, बट यहां पर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, बट इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर भी होती है। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट होती है, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, वो केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। अब जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग वोल्टामीटर भी बोलते हैं, जस्ट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान रखें कंफ्यूजन। वोल्टमीटर आप लोग पढ़ते हो वोल्टेज मेजर करने के लिए ये, लेकिन लेकिन ये वोल्टामीटर है और कुछ कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो इसको हम कोलामीटर भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दूसरे नाम है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या क्या हिस्सा आता है तो वो मैं बताने की जरूरत नहीं है। एनोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन, कैथोड होता है जिसपे रिडक्शन। एनोड की पोलरिटी पॉजिटिव होती है, कैथोड की नेगेटिव होती है। हरदम एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे रिडक्शन होता है, ये डेफिनेशन बिल्कुल खरी उतरती है। लेकिन एनोड पॉजिटिव पोलरिटी वाला होता है और कैथोड नेगेटिव पोलरिटी वाला होता है, ये बात हरदम सही नहीं है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सही है। 9-10 तक जब तक आपने इस तरह पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग वगैरह मेटलर्जी में 9-10 में आपने पढ़ा, एल्यूमिनियम वगैरह की रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आप लोग यूज करते हो तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग करवाते हो, वहां पर एनोड पॉजिटिव पोलरिटी और कैथोड नेगेटिव पोलरिटी का जरूर था। लेकिन जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़े हो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया कि एनोड चार नाम से जाना जाता है गैल्वेनिक सेल में, एनोड चार नाम से जाना जाता है गैल्वेनिक सेल में। बताओ क्या क्या चारों नाम क्वेश्चन में यूज होते हैं, एनोड के चार नाम होते हैं। एनोड हाफ सेल, इसका नाम है लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, और कैथोड का नाम हो जाएगा राइट हाफ सेल। ये आईयूपीएसी के सेल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार लेफ्ट और राइट साइड रखा गया है, हालांकि मैकेनिकल डिजाइन करते टाइम एक्चुअली ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, एनोड हाफ सेल को, और एनोड हाफ सेल तो बोलते ही बोलते हैं, एनोड हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हाफ सेल और इलेक्ट्रोड। नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि एनोड की पोलरिटी उधर गैल्वेनिक सेल नेगेटिव होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाफ सेल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो एनोड की पोलरिटी नेगेटिव होती है ऐसा गैल्वेनिक सेल में। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टामीटर में एनोड की पोलरिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड ही फ्लो करते हैं, चाहे वो
गैल्वेनिक सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, तो कुछ डिफरेंसेस हमने देखे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डायरेक्ट बट नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और वहां पर गैल्वेनिक में इनडायरेक्ट बट स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव पोलरिटी का है गैल्वेनिक सेल में, लेकिन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, लेकिन गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव पोलरिटी का होता है। तो ये पोलरिटी से डिसाइड ना करें। एक बार आईआईटी ने, जे एडवांस ने एक क्वेश्चन पूछा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इन नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो 0.05 मोलर है फॉर एग्जाम्पल। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते ही वो ये बोलना चाहते थे कि भाई साहब आप एनोड समझो, एनोड तो चार नाम होते हैं, है ना, इस पीडीएफसी से आप ध्यान रखें, एनोड के चार नाम होते हैं गैल्वेनिक सेल में। किसमें? गैल्वेनिक सेल में। लोन, 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 लोन एक बहुत अच्छी चीज है, लोन लेने से कार आती है, गाड़ी आती है, घर बंगला बनता है, ये सब नो। खैर, पुराने लोगों को बोलोगे तो वो बोलेंगे लोन बहुत बेकार चीज है, बिल्कुल नहीं लेते हैं हमारे दादाजी, उन सबसे आप बात करोगे तो। लेकिन हमारी जनरेशन में बात करो तो लोगों की लोन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, यस और नो? बिना लोन के तो काम नहीं चलता, और बिजनेसमैन से पूछोगे तो भी। एनीवेज, तो ये चारों नाम एनोड के याद रखने हैं आपको। लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन, कैथोड का नाम लेफ्ट हाफ सेल की बजाय राइट हाफ सेल गैल्वेनिक सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बजाय रिडक्शन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल की बजाय कैथोड हाफ सेल, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हाफ सेल की बजाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हाफ सेल। जस्ट रिमेंबर इट, जस्ट रिमेंबर इट। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कंफ्यूज मत होना, और आईआईटी वालों ने टर्मिनोलॉजी यूज भी की है, इसलिए मैंने पीडीएफ सी बनाया ताकि आपको याद हो जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोड आपके दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो इसमें यूज करते हो दो तरह के हो सकते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड उसको हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड एक को हम बोलते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड और अटैक्ड इलेक्ट्रोड भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दूसरा नॉन अटैकेबल, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अब देखो, अटैकेबल इलेक्ट्रोड, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल इलेक्ट्रोड को हम लोग, नॉन अटैकेबल को इनर्ट इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री में प्लेटिनम एंड ग्रेफाइट दो कॉमनली यूज होते हैं, इनर्ट और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। अटैकेबल मतलब जितने भी एक्टिव कॉपर, निकल, जिंक आपको जो क्वेश्चन में आएंगे वो सब ये आते रहेंगे आपको, ठीक है, सिल्वर, ये आपको जनरली अटैकेबल इलेक्ट्रोड में ये काम आएंगे क्वेश्चन में, और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड में। अटैकेबल इलेक्ट्रोड विच आर अटैक्ड बाय इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में लॉस या गेन तो हो सकता है, तो जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसी तरह केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलिसिस की केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको अटैकेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो टेक पार्ट नहीं करते हो, जैसे प्लेटिनम नहीं करता है, ग्रेफाइट नहीं करता है, तो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड, राइट। तो कुछ भी नहीं बोला हो तो कौन सा इलेक्ट्रोड, कई बार न्यूमेरिकल में कोई इलेक्ट्रोड ही मेंशन नहीं होगा, तो कंसीडर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एज इलेक्ट्रोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनीथिंग अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। कुछ भी नहीं बोला हो तो प्लेटिनम लेकर चलने अपनी तरफ से राम नाम का, ठीक है, राइट। जैसे गैल्वेनिक सेल का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, वैसे इलेक्ट्रिक सेल का भी अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ पर एनोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एक्वस या मोल्टन स्टेट में हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एनोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, ये मेटल रोड ग्रेफाइट रोड कैथोड जिसपे रिडक्शन होता है, आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड पे लॉस होंगे, कैथोड पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये रहेगा, इसमें कोई दोराय नहीं है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये रहेगा, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपोजिट हो जाता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपोजिट टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड लेके चलना है इन केस ऑफ कंफ्यूजन, वो मैंने बताया। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, इसका रिप्रेजेंटेशन आज तक यूज नहीं हुआ है,
कभी यूज नहीं करते हैं लोग, आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप देखो एक बार ओलंपियाड में क्वेश्चन, इसके इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन तो हर बुक में है, हर जगह करवाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी रेयर अकरेंस। उसको आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज ओलंपियाड में एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन से सब कुछ समझना था। इट इज वेरी सिंपल, जिस तरह ये है इससे याद करवा देता हूँ। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। खेल खत्म, पैसा हजम। तो क्या करना है आपको, एनोड सॉलिड है तो अलग फेज हो गया, एक्वस अलग फेज है तो ये फेज बाउंड्री दिखाता है, कैथोड फिर सॉलिड है और एक्वस, तो कैथोड सॉलिड और एक्वस फेज, सॉलिड और एक्वस फेज तो अलग अलग फेज है, तो फेज बाउंड्री को हम एक डंडे से दिखाते हैं, आप लोग जानते हैं, एक वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज, यस और नो। तो यहाँ पे एनोड के बारे में और एनोड प्रोडक्ट के बारे में सारा विवरण लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैथोड के बारे में, कैथोड कौन सा है, प्लेटिनम निकल कौन सा है, और कैथोड प्रोडक्ट के बारे में सारा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट उसकी कॉन्सेंट्रेशन, एक्वस है या मोल्टन है, सारी डिटेल इलेक्ट्रोलाइट की इधर लिखी जाएगी। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है आपका। अब देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो सब ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है, बच्चों को सब ज्यादा क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम आती है कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कौन सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर, यानी कि क्वालिटी और नेचर ऑफ एनोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन इट, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनी, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कोई भी केमिकल स्पीसीज है तो उस केमिकल स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये चीजें काम आती हैं क्वेश्चन करते टाइम। तो दो एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, दो एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैं, एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एनोड और कैथोड प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बनी या कोई इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है तो उसकी कितनी चेंज हो रही है, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं। वॉल्यूम, कोई सीएल टू गैस एनोड पे लिबरेट हुई तो बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ सीएल टू पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर पे इवोल्व हुआ, या फिर एसटीपी एनटीक्यू पर कितना इवोल्व हुआ। बच्चों अगर हम बात करें तो इंडियन बोर्ड के लिए, जेई और नीट के लिए एसटीपी एनटीपी का मतलब एक ही है, लेकिन फॉरेन बोर्ड्स के लिए एसटीपी एनटीपी में फर्क है। एनटीपी का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होता है, पर हम हरदम 1 bar और 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं एसटीपी, ये भी नहीं लेके चलते, ये बात भी सच है। वैसे आईयूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार बताओ एसटीपी का मतलब क्या है, 1 bar एंड 1 bar स्टैंडर्ड प्रेशर है एंड 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आईआईटी और नीट क्या लेके चलती है, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलती है, पर आईयूपीएससी ये बोलती है, एक्चुअल में ये है एज पर आईयूपीएसी रिकमेंडेशन। हम लोग जानते हैं 1 mole आइडियल गैस और वेपर का 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एट दिस कंडीशन, इसको नॉर्मल प्रेशर बोला जाता है, और इस नॉर्मल प्रेशर जब एक्सेल प्रेशर हो तो बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, नॉर्मल, और इसको स्टैंडर्ड प्रेशर बोला जाता है, नॉर्मल प्रेशर और इसको हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार। इसमें 1 mole गैस का, आइडियल गैस और वेपर का वॉल्यूम 22.7 लीटर पर मोल होता है, क्योंकि 1 bar प्रेशर 1 atm से थोड़ा छोटा है, प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 22.4 से 22.7 हो गया। डेटा आपको याद रखना है, डेटा आपको याद रखना है, 22.7 भी कभी कभार यूज किया जा सकता है, पर जेई नीट की आदत नहीं है, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस की आदत है, तो वही रहे ठीक है, हमें रटा हुआ भी है, राइट। अब मैं बात करता हूं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मेन मुद्दा यह है कि एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, और कैथोड
एनोड कैथोड पे जो इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो उससे केमिकल स्पीसीज की क्वांटिटी कितनी बनेगी, कितनी चेंज होगी, राइट? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए हमारे अपने रूल है, परम स्लो ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये लो आप यूज करोगे तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी, योर लाइफ विल बी सिंपल। लेकिन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एनोड कैथोड प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी बना या जो भी केमिकल स्पीसीज में क्वांटिटी में चेंज हो रही है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्वांटिटी वॉल्यूम कितना चेंज हुआ या कितना फाइनल है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ये सब देखा जाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के दो पॉइंट है। अब मुश्किल वाला ये है, ये वाला आसान है क्योंकि इसके लिए तो माइकल फैराडे साहब ने फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेस सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेस के दो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे रखे हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इसके लिए नहीं है, दिस में क्वेश्चन चैलेंजिंग, ये समझना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो पहले इसको डील करना देखते हैं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्वालिटी और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट और एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोडिक रिडक्शन रिएक्शन व्हाटएवर भी। फर्स्ट अगर हम बात करें, पहला है मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है वो तो है ही पक्की बात, वो तो बताने की जरूरत नहीं, वो सबको ही पता है। मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीडियम मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते टाइम क्या तो हम एक्वस मीडियम लेते हैं, एक एग्जांपल जो आपको काम आएगा वो, या फिर हम मोल्टन लेते हैं। देखो मोल्टन NaCl में एनोड के ऊपर एनायन भाग के आते हैं, कैथोड के ऊपर कैटायन भाग के आते हैं, ठीक है? जो आयन इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड की तरफ भागकर गया उसी का नाम एनायन पड़ा था, और जो आयन कैथोड की तरफ भागकर गया इलेक्ट्रोलिसिस उसी का नाम कैटायन पड़ा था, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज आयन का कैटायन और नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन बोला गया इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। एक्वस NaCl, यहां पर अगर हम बात करें, मैं आपको बताऊं NaCl मोल्टन की बात करूं तो एनोड के ऊपर एक ही एनायन है, दूसरा है ही नहीं, तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर Cl2। तो बताओ इससे क्या समझ में आया हमें कि दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वन फेराडे क्या होता है, वन फेराडे इज डिफाइंड एज चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वन फेराडे, बताओ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E, और E की वैल्यू हर बच्चे को याद है, बताओ क्या होती है की वैल्यू, 1.602 10^-19 कूलंब या 4.8 10^-10 ESU CGS में, तो ये E की वैल्यू होती है। तो वन मॉडुलस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E के बराबर ही होगा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितना चार्ज होगा, Na मल्टीप्लाइड बाई E, Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू जानते हो, E की वैल्यू साफ साफ कूलंब में लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलंब आ जाएगी, कितनी, 96500 कूलंब। तो ये सब लोग याद रखें, ये तीनों चीज एक दूसरे के इक्वल, मोल कॉन्सेप्ट में भी यूज होता है, 1 फैराडे मीन 96500 कूलंब और Na मल्टीप्लाइड बाय E, 1 फैराडे ये 96500 कूलंब और Na मल्टीप्लाइड बाय E, इसको हम लोग बोलते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होता है उसको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है साइंस की। तो 1 फैराडे मतलब Na मल्टीप्लाइड बाय E इज इक्वल टू 96500 कूलंब इज कंसीडर्ड टू बी 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल यूजिंग इक्विवेलेंट कांसेप्ट। अब मैं कैथोड की बात करूं, कैथोड पे कोई कंपटीशन नहीं है, बस Na पॉजिटिव है, तो Na पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो वही इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर पहुंचते हैं, आप लोग जानते हैं, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो यहां पे 5 पहुंचे, तो यहाँ पे एक्स कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड के थ्रू पास हुई, तो एक्स कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैथोड के थ्रू पास होगी, क्योंकि जो बैटरी यूज की है ना, ये इलेक्ट्रॉन खाती है ना इलेक्ट्रॉन पैदा करती है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, मोटिवेशन देती है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तुम फ्लो करो, यस और नो?
चार्ज पार्टिकल तुम फ्लो करो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करते हुए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज कंपल्सरी कंडीशन फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. एनोड सीएल नेगेटिव कैथोड, ये हो जाएगा एनए मेटल, यस और नो? जब मोल्टन होता है तो काफी हाई टेम्परेचर, तो एनए लिक्विड स्टेट में मिलता है. इनफैक्ट मोल्टन एनएसीएल की इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि मोल्टन एनएसीएल हाई टेम्परेचर में मोल्टन स्टेट में रहता है. एक्वस एनएसीएल की अगर मैं बात करूं, एक्वस एनएसीएल की बात करूं तो एनोड के ऊपर तो वही रिएक्शन होती है, सीएल टू ही बनता है. लेकिन कैथोड के ऊपर मैं बात करूं, कैथोड के ऊपर बात करें तो एच टू प्लस टू ओ एच नेगेटिव ये हो जाएगा, तो कैथोड पे वाटर रेड्यूस हो रहा है, एच टू बन रहा है, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन. तो बताओ यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट सीएल टू एच टू, यहाँ पे एनोड और कैथोड प्रोडक्ट सीएल टू एन एन ए, तो कैथोड प्रोडक्ट चेंज हो गया. डिपेंड क्या करता है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक एक्वस ले रहे हो एक मोल्टन स्टेट में ले रहे हो, तो दोनों से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट और इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल की रिडक्शन रिएक्शन चेंज हो गई. तो यानी कि क्वालिटी और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट और रिएक्शन टेकिंग पार्ट एट एनोड और कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिस्पेक्टिवली, डिपेंड्स ऑन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. थ्रू दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड, थ्रू ये ऑब्जर्व डेटा है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं. सेकेंड, हम क्वालिटी और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, मान लो एक्वस है, एक्वस है तो क्या कॉन्सेंट्रेशन है, पहले तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी तो हमने बात ही नहीं की, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन ही हो गया आप लोग. फिर हमने बात की मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है या मोल्टन है. फिर हम लोग बात कर रहे हैं अगर एक्वस है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है. जैसे मैं डायल्यूट एनएसीएल की बात करूं, वेरी डायल्यूट एनएसीएल और डायल्यूट एनएसीएल, वेरी डायल्यूट एनएसीएल पानी ही पानी है, पानी पानी है तो डायल्यूट, वेरी डायल्यूट एनएसीएल बोलेंगे. दूसरा केस ले लो कॉन्क एनएसीएल का सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड. अगर मैं इसकी बात करूं तो कॉन्सेंट्रेटेड एनएसीएल में तो अभी अभी जो रिएक्शन लिखी थी ये वाली रिएक्शन है. इस जब भी आपको एक्वस एनएसीएल बोला जाए तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड एनएसीएल समझना, जब भी एक्वस एनएसीएल बोला जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड एनएसीएल समझना. यहां पे गलती हो सकती है, पॉइंट टू बी नोटेड. ठीक है, तो यहां तो पानी पानी है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगी, तो एनोड के ऊपर O2 बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, और कैथोड प्रोडक्ट आपका H2 बनेगा. दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और यहां की तो अभी अभी लिखी थी, एनोड पे आपका सीएल टू बना और कैथोड पे आपका एच टू बना, तो यहाँ पे ओ टू बना एनोड प्रोडक्ट, यहाँ पे सीएल टू बना, देयर इज डिफरेंस. तो यहाँ पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन Cl नेगेटिव की कम हो जाएगी, क्योंकि Cl2 की फॉर्म में Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होकर फुल हो गया. लेकिन यहाँ पर NaCl का जितने मोल थे उतने ही रहेंगे. वेरी डाइल्यूट मतलब पानी पानी है. जो एनोड की तरफ आएगा उसका ऑक्सीडेशन तब होगा जब वो सफिशियंट मात्रा में होगा, तभी उससे मेजर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा. अगर खुद ही वो बहुत कम है, जैसे वेरी डाइल्यूट NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ना के बराबर है, तो सीएल नेगेटिव का उद्धार कैसे हो सकता है जब वो है ही नहीं गुड एनफ अमाउंट में. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. तीसरा फैक्टर अगर हम देखें बच्चों, तो चार्ज डेंसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस. ये भी जो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सारे सारे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, उनसे बाहर आपको इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे इसके चांसेस ऑलमोस्ट निल है. तो बस वो कर लो, आपका काम हो जाएगा. चार्ज डेंसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चार्ज डेंसिटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, काफी चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी एंड लो करंट डेंसिटी, और हाई चार्ज डेंसिटी और लो चार्ज डेंसिटी. जैसे मैं एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करूं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करूं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं, लो करंट डेंसिटी, और यहां पर मैं हाई करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूं. हाई करंट डेंसिटी पे एनोड पे एच टू एच टू ओ एट या एच टू ओ एट माइनस टू बन रहा है एनोड पे, और कैथोड पे एच टू ही बन रहा है. लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ओ टू एंड एच टू लो करंट डेंसिटी में, एक इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ओनली.
तो जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो यहाँ पे H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। यहाँ पे H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि H2SO4 का सल्फर ही जा रहा है इसमें, जिसको हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड। हर बच्चे को ध्यान है मार्शल्स और कैरोज एसिड, H2SO5 कैरोज एसिड होता है और H2S2O8 मार्शल्स एसिड होता है। कैरोज एसिड का दूसरा नाम क्या है, परोक्सी या परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, एक सल्फर है मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, और यहां मोनो की बजाय क्या कर दोगे, डाई कर दोगे, बाकी पूरा नाम डाई सल्फ्यूरिक एसिड का ही हुआ है मार्शल्स एसिड। यहां पे भी सल्फर प्लस सिक्स में, हर बच्चा कर चुका है, यहां पे भी सल्फर प्लस सिक्स में, यहां पे भी एक परोक्सी लिंकेज होता है और यहां पर भी एक परोक्सी लिंकेज होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जहां परोक्सी लिंकेज होंगे वहां पे ऑक्सीजन -1 में होगी, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर प्लस सिक्स आता है करेक्ट, कैरोजन मार्शल्स एसिड। अब देखो अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करें तो H2S2O8 हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है, इससे इसका जो परोक्सी लिंकेज है वो हाइड्रोजन परोक्साइड में इलेक्ट्रोलिसिस में चला जाता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि H2O2 भी प्रोड्यूस हो जाएगी इससे मार्शल्स एसिड की हाइड्रोलिसिस से। तो चार डेंसिटी हाई है लो है उस हिसाब से क्वालिटी और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं। एंड फोर्थ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, फोर्थ इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रोड दो टाइप के, अटैकेबल और एक्टिव, और नॉन अटैकेबल और इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, जैसे ही एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा एनोड खासकर, तब फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट में, वो इंटरेस्टिंग केस हो जाते हैं। ओके, अब देखो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के, ये तो फैक्टर अफेक्टिंग देखिए, अब हम रूल बनाते हैं। रूल नंबर वन, अगर ये रूल आपने फॉलो नहीं किए तो कौन सा एनोड और कैथोड बनेगा ये पता लगाने में आपको मुश्किल हो जाएगी। रूल नंबर वन, ऑलवेज एनालाइज एनोडिक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फर्स्ट, सबसे पहले एनोड प्रोडक्ट बनाएं, पहले कैथोड प्रोडक्ट आपने बना लिया सोच लिया और बाद में एनोड प्रोडक्ट बनाया तो आप अपनी तरफ से जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बना रहे हो वही गलत निकल सकते हैं। ऑलवेज एनालाइज एनोड प्रोडक्ट फर्स्ट, यानी कि एनोडिक ऑक्सीडेशन करें बाद में कैथोडिक रिडक्शन करें, बस इतने से में गलती हो जाएगी। ऑलवेज एनालाइज एनोडिक ऑक्सीडेशन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनालाइज एनोडिक ऑक्सीडेशन या एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सबसे पहले बनाए, बाद में उससे उसके बाद कैथोड के बारे में सोचे। सेकेंड, एनोड इज ऑफ इफ ऑफ एक्टिव मेटल, यानी कि जिंक का है, निकल का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, इसका एनोड बना हुआ है, एनोड पे क्या वाक्य आएंगे, एनायंस, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, है ना, सल्फेट, कोई भी भागे आएंगे, फ्लोराइड, जो भी एनायन होंगे एनोड पे। तो एनोड अगर एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो ये एनोड मटेरियल खुद ये मेटल ऑक्सीडाइज होंगे, क्योंकि मेटल तो बने ही ऑक्सीडेशन के लिए है मेनली अपनी केमिस्ट्री में, और एनायन जिंदगी भर इंतजार करेंगे, एनायन विल नॉट गेट ऑक्सीडाइज। तो इफ एनोड इज मेड अप ऑफ एक्टिव मेटल लाइक दिस 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 जिंक कॉपर निकल सिल्वर, देन मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज, एनोड मटेरियल, एनोड एनोड मटेरियल, मेटल इटसेल्फ विल गेट ऑक्सीडाइज एंड ऑल अदर आयंस विल कीप ऑन वेटिंग टिल इंफिनिटी, वो अपना आजीवन इंतजार करेंगे, उनका कभी भी उद्धार नहीं होने वाला, वो एनायन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे अगर एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एनोड, एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एनोड कभी भी उनका उद्धार नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे आयंस हैं आपके पास, बहुत सारे आयंस, तो पहला एनोड प्रोडक्ट पहले डिसाइड करें, बाद में कैथोड प्रोडक्ट के बारे में सोचें। अगर एनोड एक्टिव मेटल का बना हुआ है
तो खुद वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, जैसे सिल्वर है एजी है तो एजी प्लस वन माइनस में, जिंक है तो जेड एन प्लस टू में, निकल का मेटल एनोड का बना हुआ है तो एनआई एनआई प्लस टू में ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तहत, राइट, एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के तहत ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई बताओ, अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम आता है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं और लास्ट इलास में फ्लोराइड से F2 आता है ना, तो यहां पे E नोट RP कितना है, प्लस 2.87 वोल्ट, और लिथियम प्लस वन से लिथियम, लिथियम एक्वस प्लस वन से लिथियम E नोट RP कितना है, माइनस 3.05 वोल्ट। ये दोनों वैल्यू याद भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के दो एक्सट्रीमिटी यही है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो लिथियम, सब ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम का 3.05 वोल्ट, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम माइनस 3.05 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन में, और फ्लोरीन का, फ्लोरीन खुद को रिड्यूस करना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल काफी पॉजिटिव है 2.87 वोल्ट, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 2.87 वोल्ट और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 3.05 वोल्ट, ये दो वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए, और बीच में HIN2H2 इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल सबको पता है जीरो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम इसी रिएक्शन का माइनस ऑफ जीरो हो जाएगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा, है ना, बाकी बहुत सारे। तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर एनोड पे, एनोड के ऊपर बात करूं, एनोड अगर एक्टिव मेटल का नहीं बना हुआ है इन दैट केस, तो एनोड के ऊपर सबसे पहले Au प्लस थ्री को Au में रिड्यूस कर देना, फिर Ag आयन, फिर अगर मैं बात करूं तो Hg प्लस टू आयन, फिर Cu प्लस टू आयन, फिर H प्लस आयन, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, फिर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रहेगी, हालांकि अगर हम बात करें तो कुछ बुक में इन दोनों की पोजिशन इंटरचेंज की हुई रखी हुई मिलेगी, खैर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया, एच आई एन के बाद क्या है बच्चों, पीवी प्लस टू पीबी हो जाएगा, उसके बाद क्या है एनआई प्लस टू एनआई हो जाएगा। अब मैं किस में जा रहा है, वो तो मेटल में जा रहा है, उसको छोड़ देता हूं, मैं एनआई प्लस टू लिख देता हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीडी प्लस टू सीडी हो जाएगा, सब मेटल में जा रहे हैं तो मैं वो तो लिखूंगा नहीं, छोड़ दो उसको। फिर आपका जेड एन प्लस टू जेड एन में जाएगा, फिर ए एल प्लस थ्री ए एल में जाएगा, मैग्नीशियम प्लस टू मैग्नीशियम में जाएगा, और अगर सोडियम प्लस वन है सोडियम में जाएगा, कैल्शियम प्लस टू है वो कैल्शियम में जाएगा, एंड पोटासियम प्लस वन है वो पोटासियम में जाएगा। तो कैथोड के ऊपर सबसे पहले एजी आयन, फिर सी यू प्लस टू आयन, फिर एच आयन, फिर ये आपको सब काम आते रहेंगे। जेड एन ए एल प्लस थ्री लाइक दिस, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल सब ज्यादा है, सिल्वर का हो गया, गोल्ड का हो गया, मरकरी का हो गया, कॉपर का हो गया, कॉपर प्लस कॉपर, इनका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, जो आपको काम आएंगे वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, ये आपको एमएमएल करनी है, आपको याद करना है। एनोड की ये कहानी है, ये कैथोड की कहानी है, सॉरी कैटायन तो कैथोड पे जाएंगे ना, कैथोड पे कौन सबसे पहले रेड्यूस होगा वो मैंने सबसे पहले लिखा, एजी प्लस वन आयन आपको काम आएगा, एयू प्लस थ्री का तो यूज ना के बराबर है। एनायंस की, एनोड के ऊपर बात करूं एनायंस की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई नेगेटिव सबसे पहले रिड्यूस होगी, फिर बी आर नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगी, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, फिर सी एल नेगेटिव, फिर ओ एस नेगेटिव, एनओ थ्री माइनस वन, फिर एसओ फोर माइनस टू एंड एफ माइनस वन,
ये डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल हो गए आपके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड के ऊपर, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कैथोड के ऊपर मैंने कुछ इनके डेटा से उठाकर ये ऑर्डर रख दिया। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर दिस, सबको याद होना चाहिए। डन। ओके, एक मिनट। पॉइंट थे सबसे इंपॉर्टेंट, जो तीन पॉइंट थे वो हम डिस्कस किए। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले एनोड प्रोडक्ट बनाएं, बाद में कैथोड प्रोडक्ट के बारे में सोचें। दूसरा, अगर एनोड एक्टिव मेटल का बना हुआ है तो एक्टिव मेटल को खुद ऑक्सीडाइज करें और एनायन को ऑक्सीडाइज करने के बारे में सोचे भी नहीं। अगर एनोड इनर्ट मेटल का बना हुआ होता है, प्लेटिनम वगैरह ग्रेफाइट, तो फिर एनायन का उद्धार होगा, ये बात भी सही है, वही ऑक्सीडाइज। तीसरा, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड बना हुआ है तो ये पॉइंट नंबर थ्री है, तो अगर सॉल्यूशन में आसपास की कॉन्सेंट्रेशन भी होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, तब ये पॉइंट थ्री वैलिड है, तभी ये पॉइंट थ्री वैलिड है, अदरवाइज काहे का एनायन का नंबर आने वाला है। तो एनोड पे जो एनायन का मैंने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी के हिसाब से ऑर्डर बनाया है, वो ऑर्डर तभी मान्य है जब इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, यस और नो, अपने आप को डिस्चार्ज करने की टेंडेंसी। अब इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरह के चेंज होते हैं, एक प्राइमरी चेंज, जैसे एनोड पे आई नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो आई न्यूट्रल बना, अब ये आई और आई मिलकर आई टू बना लेंगे, ये प्राइमरी चेंज है, ये सेकेंड डिग्री चेंज है। तो किसी भी एनोड के ऊपर एनायन और कैथोड के ऊपर कैटायन का डिस्चार्ज होना हरदम प्राइमरी चेंज होता है, और उससे जो इंटरमीडिएट बना वो सेकेंडरी चेंज में जाकर फाइनल एनोड और कैथोड प्रोडक्ट कुछ भी बनाता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो चेंज है, प्राइमरी चेंज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आयन एंड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जब एक्टिव मेटल है ही नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है उस केस में, राइट। तो F2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 2.87 वोल्ट, और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -3.05 वोल्ट। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और एक्सपेक्ट टू रिमेम्बर, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, इनसे बाहर आपको पूछेंगे नहीं, यू आर एक्सपेक्ट टू रिमेम्बर दिस ऑर्डर, राइट। वाटर का ये OHIN आ गया, हालांकि वाटर का OHIN के अलावा बाकी देखें, वाटर से एच पॉजिटिव आयन आ गया, बट H2 और HIN अलग अलग केमिकल रिएक्शन, तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका हो जाता है, अलग अलग केमिकल रिएक्शन तो अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका हो जाता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा, हम बात करें कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलती है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की एनोड, आपने देखा कि ये एनोड है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा, ये कैथोड है, इस पे रिडक्शन होगा, और यहां पे हम लोग ये एनोड, ये कैथोड। एक चीज गौर से सुनना, मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो वही 5 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेंगे, तो यहाँ पर Q का मतलब x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड से पास हुई, तो कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंचे, बैटरी तो ना इलेक्ट्रॉन खाती है ना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन कुछ पैदा करती है, बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने एनोड पे होंगे उतने ही कैथोड पे जाएंगे, तो मान लो x कूलम एनोड की तरफ पास हुआ तो x कूलम ही कैथोड की तरफ पास होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड और कैथोड के थ्रू पास होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाती है और कैथोड पे वही इलेक्ट्रॉन गेन होकर रिडक्शन करवाती है, एनोड कैथोड। तो कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, चाहे एनोड प्रोडक्ट हो कैथोड प्रोडक्ट है, उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड और कैथोड
से पास होगी, पर एनोड कैथोड से बराबर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होगी एक्सकुलम एक्सकुलम, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखना। W इसका जो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब बताओ मान लो एनोड पे सीएल टू बना और कैथोड के ऊपर एच टू बना, तो मुझे बताओ जब NaCl एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो एनोड कैथोड पे सीएल टू एन एच टू बना, ठीक है, सीएल टू एन एच टू बना, तो मुझे बताओ क्यों तो सेम पास हुआ सीएल टू एच टू दोनों के लिए सेम चार्ज, जितने टाइम पे इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो चार्ज तो बराबर ही पास होना है। हाँ ऐसा हो सकता है पहले यहाँ सीएल नेगेटिव था उससे सीएल टू बन गया, फिर सीएल नेगेटिव खत्म ही गया, अब वाटर एच टू खुद ऑक्सीडाइज होकर ओ टू बनाने लग गया, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस बाद में सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और कैथोड पे रिडक्शन होगा अगर पहली केमिकल स्पीसीज आयन खत्म हो गया तो, और करंट पास किए जा रहे हो इन दैट केस, तो डब्ल्यू क्यू बताओ मुझे क्यों तो सेम है। अब जिसका वेट अलग अलग होगा उसका जेड भी अलग अलग होगा, तो जेड किसके ऊपर डिपेंड करता है, जेड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपका सीएल टू है तो जेड की वैल्यू अलग होगी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट कैथोड के ऊपर एच टू है तो जेड की वैल्यू एच टू के लिए अलग होगी, एनोड पे ही सीएल टू की बजाय ओ टू है तो ओ टू के लिए जेड की वैल्यू और अलग होगी, ठीक है। वैसे जेड की वैल्यू होती क्या है, जेड की वैल्यू होती है ई बाई एफ, ई इज इक्विवेलेंट वेट, ई बाई एफ। अब ये ई बाई एफ हमने कैसे लिखा वो मैंने अभी बताया नहीं है, चाहोगे तो बता दूंगा, जरा एक तरीके से देखो, ये अगर एनोड प्रोडक्ट का जेड होगा तो ये वेट भी एनोड प्रोडक्ट का होगा, अगर ये आपका कैथोड प्रोडक्ट का है तो डब्ल्यू भी कैथोड प्रोडक्ट का होगा, यानी कि क्यू तो सेम है एनोड कैथोड प्रोडक्ट के लिए तो वेट अलग अलग होगा सीएल टू एच टू का ऑब्वियसली, तो फिर जेड को अलग होना ही पड़ेगा, तो जेड इज स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, जेड इज स्पेसिफिक टू एन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट, E by F Q हो गया आपका, तो इसको मैं अलग तरीके से लिख देता हूं, एनोड या कैथोड प्रोडक्ट का W by E is equal to Q by F। कभी कभी होता क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस की जो एफिशिएंसी है सेल एफिशिएंसी वो 60% है आपकी, मान लो कभी कभी वो 60% रहेगी, अब वो 60% रहेगी इसका मतलब क्या होगा कि आपने 100 कूलम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड और कैथोड दोनों से पास की 100 कूलम, लेकिन 60 कूलम के हिसाब से ही आपका एनोड प्रोडक्ट बना और 60 कूलम के हिसाब से कैथोड प्रोडक्ट बना, आपने पास ज्यादा किया इलेक्ट्रिक करंट लेकिन जो प्रोडक्ट बने वो कम बने, प्रोडक्ट बने वो कम बने, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि भाई करंट एफिशिएंसी 100% नहीं है, तो ये एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो क्यू इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, और आप लोग जानते हैं साइंस में डी क्यू बाई डी टी आपका आई होता है करंट, आई फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो डी क्यू को आई डी टी में आई फंक्शन ऑफ टाइम होगा, तो पुट करो जैसे फिजिक्स में करते हो और इंटीग्रेट करो, लेकिन आई फंक्शन ऑफ टाइम होता नहीं है तो I कांस्टेंट होता है, इसलिए I को हम लोग Q बाई जितना भी टाइम इंटरवल है वो लगाएंगे डेल्टा T या T माइनस जीरो या T लिख दो, तो Q इफेक्टिव को हम लिखेंगे I इफेक्टिव बाई T, यानी कि आपने 10 एम्पेयर करंट पास किया लेकिन 40% एफिशिएंसी है तो 4 एम्पेयर करंट पास करने के बराबर ही एनोड कैथोड प्रोडक्ट बने I इफेक्टिव, तो जितना एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बना वो I इफेक्टिव और Q इफेक्टिव डिसाइड करेगा, ना कि आई और क्यू, कितना चार्ज पास हुआ वो नहीं, कितना इफेक्टिविटी चार्ज इलेक्ट्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में यूज हुआ वो मतलब रखता है, इसे बोलते हैं एफिशिएंसी, राइट। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्यू इफेक्टिव कितना है डिवाइड बाई
वैसे थियोरेटिकली कितना चार्ज पास हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर आई इफेक्टिव कितना है जिससे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बना, आई थियोरेटिकली वैसे कितना पास हुआ और परसेंटेज में दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, नो डाउट अबाउट इट। ये हो जाएगा आपका दैट इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्यू बाई एफ, अब देखो हम ये डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी कुछ यूज नहीं करने वाले। डब्ल्यू बाई एम क्या होता है, मोल, मोलर मास है कैपिटल एम, और डब्ल्यू बाई ई क्या होता है, डब्ल्यू ग्राम में होगा, ई ग्राम पर इक्विवेलेंट में होगा, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का है, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए। तो W by E, जब ये Z एनोड प्रोडक्ट का है तो इक्विवेलेंट वेट भी एनोड प्रोडक्ट का होगा, F तो कांस्टेंट है सबके लिए, तो ये W एनोड प्रोडक्ट का होगा तो इक्विवेलेंट वेट भी एनोड प्रोडक्ट का होगा, तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू Q इफेक्टिव बाई F और I इफेक्टिव T बाई F, प्रोवाइडेड I इफेक्टिव इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। जब ये W कैथोड प्रोडक्ट का है तो E भी कैथोड प्रोडक्ट का है, तो कहने का मतलब ये इक्विवेलेंट एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट के किसी के भी हो सकते हैं, एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट किसी के भी हो सकते हैं, या फिर जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है उस केमिकल स्पीसीज के भी हो सकते हैं जिसका अमाउंट चेंज हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट, क्यू इफेक्टिव आई इफेक्टिव बाई टी, बस एक ही रामबाण है जिसको आप लोग यूज करते रहोगे ऑल द टाइम्स। मैं बोलूंगा टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड प्रोडक्ट्स। अब मैं एनोड प्रोडक्ट्स क्यों बोल रहा हूं, टोटल वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे मिस्टेक होगी आपकी। एनोड प्रोडक्ट जैसे एक NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही थी, अब Cl नेगेटिव खत्म हो गया NaCl में, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से Cl नेगेटिव था, अब Cl नेगेटिव खत्म हो गया तो H2 से O2 बनेगा उसकी इलेक्ट्रोलिसिस से, तो O2 के इक्विवेलेंट प्लस Cl2 के इक्विवेलेंट इज टोटल इक्विवेलेंट ऑफ, क्योंकि दोनों एनोड पे बने तो एनोड प्रोडक्ट्स बोल रहा हूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट्स। अब कैथोड पे भी एक प्रोडक्ट बन सकता है, ज्यादा भी बन सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहे तो कैथोड पे एक रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी, फिर दूसरी होने लगी, फिर उसका भी केमिकल स्पीसीज खत्म हो गया तो तीसरी भी होनी स्टार्ट हो सकती है। टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्यू इफेक्टिव बाई एफ, इसको इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल दो, या फिर आई इफेक्टिव मल्टीप्लाई टी बाई एफ। एक अजम्पशन है आई इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, तभी ये आया है अभी अभी आपने देखा। तो टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट्स, अब ये एनोड प्रोडक्ट जैसे एनोड के ऊपर दो रिएक्शन हुई, रिएक्शन वन रिएक्शन टू, दोनों ही ऑक्सीडेशन है एनोड के ऊपर होंगे तो इससे आपका प्रोडक्ट P1 बना P2 बना, तो इक्विवेलेंट ऑफ P1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ P2। रिएक्शन 1 में इसका इन्फेक्टर कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन 2 में इसका इन्फेक्टर कुछ अलग हो सकता है, पर इक्विवेलेंट ऑफ P1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ P2 इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड प्रोडक्ट। अब जो इन्फेक्टर होगा और कितने बनेंगे वो तो आपका डेफिनेटली अलग अलग होगा, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के इक्विवेलेंट में क्या क्या इन्फेक्टर होगा, कितने इक्विवेलेंट होंगे, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पर, पहली एक रिएक्शन दूसरी। अच्छा, कई बार एक्सपेरिमेंटली ऐसा भी होता है कि Cl2 भी बन रहा है और कुछ दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है एनोड पे, पर एक मेजर बनेगा दूसरा माइनर, पर हम न्यूमेरिकल करते टाइम ऐसा सपने में भी नहीं सोचेंगे, अगर सोच लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको हरदम ये मानना है कि एक एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तब तक वो चलती रहेगी, जब तक मानो Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, तो Cl नेगेटिव Cl2 तब तक बनता रहेगा जब तक Cl नेगेटिव का एक आयन भी बचा है। ये गजब की चीज है, ये अजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर ऐसा आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं लेके चले तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे तो आप डॉक्टर आईआईटीयर नहीं बनोगे, अब नहीं बनोगे तो उसी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्यों जी, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, जिससे मार्क्स आएंगे वैसे ही करेंगे। तो ये प्रिज्यूम करके चलना पड़ता है कि ऑलवेज कंसीडर वन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, अगर
उससे ऑक्सीडाइज होने वाला एनायन या कैथोड पर रिड्यूस होने वाला कटायन खत्म हो जाए तब दूसरी रिएक्शन के बारे में सोचना है एट ए टाइम वन, एट ए टाइम वन। हिंदू धर्म फॉलो करो है ना, वन फॉर वन एट ए टाइम वन। तो व्हाट आई मीन टू से, आप एट ए टाइम दो या तीन एनोडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे नहीं करवा सकते, दिस इज नॉट अलाउड टू गेट द आंसर। पर एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो सकता है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो सकता है, जी हाँ एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। ओके तो बस इसी को हम यूज करेंगे, दिस इज द ओनली थिंग। हाँ एक चीज और जहां पर आप ट्रैप में आओगे, जैसे मैं आपको बोलूं छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे आप गलतियां करोगे, मेरी बातें सुन लोगे सारी गलतियां आपकी खत्म हो जाएंगी, यू विल हैव वेरी इजी गो लाइफ, सब कुछ बहुत आसान सा लगेगा आपको। कीप ऑन लिसनिंग, थक गए होंगे आप लोग आई नो। तो 2Cl नेगेटिव Cl2 सेम केस टीचर के लिए भी होता है, कंटिन्यूसली बोलना इज नॉट इजी टास्क। 2Cl नेगेटिव Cl2, मुझे बताओ दो इलेक्ट्रॉन पास हुए तो मैं इसको दो मोल ऑफ सीएल नेगेटिव अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो वन मोल ऑफ सीएल टू गैस बनेगा और दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। सबको मोल में बोलूंगा टू वन टू, दो मोल सीएल नेगेटिव के, एक मोल सीएल टू के, दो मोल इलेक्ट्रॉन के। अब एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वन फेराडे, और जब मैं मोल की टर्म में बात कर रहा हूं तो दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टू फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गई। दो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एनोड से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई ना, एनोड से अगर इससे दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड से पास हुई तो एक मोल सीएल टू यहां पे बनेगा और सॉल्यूशन से दो मोल सीएल नेगेटिव फुर हो जाएंगे। ये समझ में आया, इसका मतलब ये है, आपको इस तरह समझना होगा। तो दो क्या है यहां पर, दो इलेक्ट्रॉन मतलब दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एनोड से दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुए या दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो एक मोल सीएल टू पक्का बनेगा और दो मोल सीएल नेगेटिव सॉल्यूशन से गायब हो जाएंगे क्योंकि वो सीएल टू में चले गए। इसका मतलब ये है। अब देखो, अब मैं ट्रैप वाली चीज बता रहा हूं, आप क्या करोगे भाई साहब, देखो दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है सीएल टू का। अब मैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल लेता हूं जहां पर आप गलतियां करोगे। देखो क्या होता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडाइज होकर ये आर आर प्लस टू सीओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये है। जब दो मोल ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होते हैं एनोड के ऊपर, ये एनोडिक ऑक्सीडेशन है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में, तो बताओ जब यहां पर दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो दो मोल CO2 के पैदा होंगे, वन मोल RR के पैदा होंगे। अगर यहां पे फॉर्मिक एसिड का सोल्ट है तो यहां पर H2 बन जाएगा, यहां पर फॉर्मिक एसिड है R की बजाय H है तो यहां पर भी R की बजाय H आ जाएगा यानी कि H2 बन जाएगा, है ना। फॉर्मिक एसिड के सोल्ट पोटासियम या सोडियम सोल्ट कि इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड पे भी H2 बनता है और कैथोड पे भी H2 बनता है। एनोड पे H2 प्लस CO2 यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, एनोड है ना, और कैथोड पे आपका H2 बनेगा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग हजार बार देख चुके होंगे कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट की कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करें कि एनोड कैथोड दोनों पे हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो, फॉर्मिक एसिड का कोई भी सोल्ट हो तो ऐसा होगा, ठीक है। आर आर प्लस टू सीओ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जब दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनोड के थ्रू पास हुआ तो दो मोल सीओ टू भी बना और एक मोल आर आर भी बना, फॉर्मिक एसिड में एक मोल एच टू दो मोल सीएल टू, दो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए तो दो दो प्रोडक्ट बने, अभी तक एक ही बन रहे थे, अब पंगा हो जाएगा आपको इस तरह के जब मल्टीपल प्रोडक्ट बन रहे होंगे एक ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, ऐसा जनरली होता नहीं है। तो ये चीज बहुत गौर से सुनना, यहां पे जब भी वो घुमाना फिराना चाहेंगे ना
आप पक्का गलती कर दोगे, लिख के ले लो। तो जब 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई एनोड से, तो उसी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने 2 मोल CO2 भी पैदा कर दिए और 1 मोल RR भी पैदा कर दिया। तो कुल मिलाकर 3 मोल एनोड में पैदा हुए 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ एनोड एनोड का हिसाब किताब था। तो मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ RR प्रोड्यूस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो है 2 इक्विवेलेंट, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब 2 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो एनोड टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एनोड प्रोडक्ट में क्या करोगे, इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन ही गलत करवा देगा। समझ रहे हो मेरा पॉइंट, सोचना जरा गौर से सोचना। जब 2 फैराडे, ये हमें केमिस्ट्री बोल रही है इसकी, कि जब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एनोड पे उसी 2 फैराडे की वजह से 1 मोल RR भी बनता है और 2 मोल CO2 भी उसी 2 फैराडे की वजह से बनते हैं, टोटल 3 मोल एनोड प्रोडक्ट्स के। अब ये जब लगाओगे, ये जब लगाओगे आप टोटल इक्विवेलेंट ऑफ ऑल एनोड प्रोडक्ट, तो अगर आपने ये लगा दिया इक्विवेलेंट्स ऑफ RR प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2, तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। अरे भाई इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 है तो इसके भी इक्विवेलेंट 2 ही पैदा होंगे, इसके भी इक्विवेलेंट 2 ही पैदा होंगे, तो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यहां पे यूज कर रहे हो उससे क्या, तो इक्विवेलेंट ऑफ CO2 लिखो सिर्फ एनोड पे, इक्विवेलेंट ऑफ RR लिखो सिर्फ, दोनों का समेशन करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द सिंपल पॉइंट, दिस इज वेरी गुड पॉइंट where you are bound to commit mistake, yes, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब है 2 फैराडे से 2 मोल CO2। मुझे बताओ n फैक्टर क्या है CO2 का, जल्दी से इधर, last thing for today, n फैक्टर ऑफ CO2 क्या है इधर, अरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 2, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन, दो से अगेन करें n फैक्टर, इसका n फैक्टर 2 है। अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी की ये रिएक्शन सबको याद होती है, बोर्ड एग्जामिनेशन पूछी जाती है, PbO2 PbNode PbO2 कैथोड की फॉर्म में यूज किया जाता है, 38% H2SO4 का सॉल्यूशन यूज किया जाता है जब डिस्चार्जिंग होती है लेड स्टोरेज बैटरी की। लेड स्टोरेज बैटरी जो ट्रक बसेस इन सब में यूज की जाती है, हैवी व्हीकल्स में यूज की जाती है लेड स्टोरेज बैटरी, तो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये होती है जब वो बैटरी यूज होती है ना, PbSO4+2H2 इज दैट बैलेंस, 2 लेड हो गए, ऑक्सीजन 10 हो गए, जी हाँ बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 हो गए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, व्हाट इज द एन फैक्टर, ये IIT का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने लोग सही बताते हैं जल्दी से बताना, हरदम क्लास में करवाता हूं मैं, जो क्लास में करवाता हूँ वही रिवाइज ही करवा रहा हूँ, कुछ नई चीज नहीं करवा रहा, अब कम करवा रहा हूँ बल्कि थोड़ी। 2H2SO4, 2PbSO4+2H2 क्रिस्प में कर रहे हैं अब। बताओ इसका एन फैक्टर क्या है, IIT का पुराना पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ H2SO4 एयर। बोलोगे सर 2 HIN देता है तो एन फैक्टर इसका 2 है, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 98/2। गलत और गलत, इक्विवेलेंट वेट इसका 98/1 है और इसका एन फैक्टर इस रिएक्शन में 1 है। हरदम एसिड का एन फैक्टर टोटल नंबर ऑफ HIN कितना दे रहा है, 2, वो नहीं होता, वो तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में एसिड का एन फैक्टर होता है। एक ही केमिकल स्पीशीज के एन फैक्टर निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की रिएक्शन का हिस्सा है वो, ये रिडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है। बताओ ये PbPlus4 से PbPlus2 गया, PbO से PbPlus2 गया, 0 से +2 एन फैक्टर 2, +4 से +2 2 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं, n फैक्टर 1 करूंगा तभी तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आएगा, इसका n फैक्टर कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2, तो n फैक्टर इनका इसका 1 होगा H2SO4 का, ना कि n फैक्टर 2 होगा। तो इक्विवेलेंट वेट पूछा था IIT वालों ने, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एसिड इन रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, इट इज 98/1,
इट इज 98/1। अब फिर या ऐसे देखो, इधर दो इलेक्ट्रॉन लॉस दो इलेक्ट्रॉन गेन नेट बैलेंस रिएक्शन लिखते हो तो बताओ दो फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब एक्सचेंज हुई इसके एक मोल से, तो एक मोल से दो फेराडे दो इक्विवेलेंट तो एन फैक्टर टू, ये दो इलेक्ट्रॉन है तो इस वन मल्टीप्लाइड बाई टू टू होना चाहिए, ये दो के बराबर होना चाहिए, वन मल्टीप्लाइड टू टू है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें वन से ताकि टू आ जाए, टू है तो वन से, टू है तो वन से, तो किसका एन फैक्टर कितना होगा वो कोफिशियंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज कॉन्स्टेंट वैल्यू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रिडॉक्स रिएक्शन। डन, ओके बच्चों, थैंक्स फॉर पेशेंस, काफी टाइम हो गया, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।